लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। किसी परिवार के लिए इससे ज्यादा पीड़ादायक बात क्या होगी कि देहांत उपरांत वो अपने परिजन का अंतिम संस्कार भी ना कर पाए। कुछ ऐसा ही मामला देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल राजधानी दिल्ली स्थित एम्स से सामने आया है, जहां एम्स प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते दो कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शव बदल दिए गए। दोनों मृत महिलाएं अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखती थी। एम्स प्रशासन की लापरवाही के कारण एक मरीज अंजुम का शव दूसरे मरीज कुसुम के परिजनों को दे दिया और कुसुम का शव अंजुम के परिजनों को। इतना ही नहीं, जब इस गड़बड़ी के बारे में पता चला तब भी प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया और हुआ ये कि कुसुम के परिजनों ने हिंदू रीति से अंजुम का संस्कार कर दिया। इस वजह से अंजुम के परिवार को अपने शव को मिट्टी देना भी नसीब ना हुआ। अंजुम के भाई नसीम शाह ने रोते हुए बताया कि हम बरेली से अपनी बहन को पीलिया के इलाज के लिए लाए थे, तब जांच में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। फिर हमको ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में कल तक हमसे 3 यूनिट खून मांगा गया, हमने वो भी दिया। इसके बाद रात को अस्पताल की तरफ से अचानक फोन आया कि आपके रिश्तेदार की मौत हो गई है, आप सुबह शव लेने आ जाना। सुबह जब हम शव लेने ट्रॉमा सेंटर आए तब हमने अस्पताल से गुहार लगाई कि एक बार चेहरा दिखा दीजिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एक न सुनी। अंजुम के भाई ने आगे बताया कि हमें पहले कहा गया कि आप पंजाबी बाग पहुंचो, शव वहीं आएगा। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, आप दिल्ली गेट जाओ, शव वहां आएगा। साथ ही एक कर्मचारी ने कहा, आप दिल्ली गेट पहुंचो, हमें 500 रुपए दे देना, हम वहीं चेहरा दिखा देंगे। इसके बाद हमने कब्रिस्तान पहुंचकर सारी तैयारी पूरी कर ली। कब्रिस्तान में शव आने पर जब हमने 500 रुपए दिए तभी उसने चेहरा दिखाया। चेहरा देखकर हम हैरान हो गए क्योंकि यह हमारी बहन नहीं थी। उसके बाद कर्मचारी ने स्लिप देखी तो ये किसी कुसुम नाम की महिला का शव था। कर्मचारी बोला, आप लोग यहीं रहो, हम गलती से किसी और का शव ले आए हैं, हम अभी शव लेकर आते हैं। उसके बाद बहुत देर तक कर्मचारी हमसे टकराते रहे लेकिन शव लेकर नहीं आए। आखिर में हार मानकर अंजुम के परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अंजुम के शव का तो पंजाबी बाग में हिंदू रीति से संस्कार कर दिया गया। एम्स प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि जब इस बात को लेकर उन लोगों ने एम्स प्रशासन से बात करनी चाही तो वहां के सुरक्षा गार्ड और बाउंसर्स द्वारा उन्हें धमकाया गया, जिसके बाद परेशान परिवार ने पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी है जिसमें एम्स प्रशासन द्वारा पूरी लापरवाही का जिक्र है। इस मामले को लेकर जब एम्स प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने इस पर सफाई देना शुरू कर दिया और इसे महज एक सिस्टम की गलती मानकर सुधारने की बात कही गई।